एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव आ सकता है। मालदीव के संसद में महाभियोग प्रस्ताव आ सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ दरअसल विपक्ष यहाँ पर एकजुट है और मालदीव की संसद में विपक्ष के पास बहुमत भी पूरा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजो के खिलाफ ये प्रस्ताव आ सकता है। अब फिर दोबारा करप्शन का बाजार गर्म होगा, लेकिन दुनिया परेशान है कि यहाँ पे किसको लाएंगे यार, कौन ये ईमानदारी से सारा कुछ चलाएगा। से समझ में मैं अब दुनिया परेशान है कि 1.9 बिलियन मुसलमानों के अंदर कोई ईमानदारी नहीं है। और बड़ा यंग मैन है, 45 है, इतना ज्यादा बूढ़े भी नहीं है, लेकिन लगते बूढ़े हैं काफी वैसे। बट एनी हाउ दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज के प्रेसिडेंट मौजू जो है उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन आ रहा है। सर शहबाज शरीफ साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो इकोनॉमी को ठीक करने का प्लान बनाया था वो लेके भारत ने अपना सब कुछ ठीक कर लिया। बहुत सही कहा। उन्होंने तो ये भी फरमाया था कि चांद पर हमने जाना था। आए, आए, चांद पे कहते, चांद के ऊपर तो प्लॉटिंग जाके हमने करनी थी भाई। प्यारी समझ गई। जो अब पोजीशन ये है कि द मालदीव्स की जो पार्लियामेंट है उसका साइज जो है वो तकरीबन 80 मेंबर हैं। जो अपोजिशन जो जमात है एमडीपी, जो उसे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जो जमातें हैं और जो अदर्स हैं, जो बाकी जो लोग हैं, वो तकरीबन उनकी 19-19 तादाद है। बट एनी हाउ कहा जाता है कि 2/3 मेंबर्स चाहिए प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इम्पीचमेंट, यानी कि 53 वोट्स चाहिए इस हवाले से। जो 1/3 मेंबर्स हैं ऑफ द पार्लियामेंट, जब वो राइटिंग में दे दें तो जो मोशन है वो आ सकता है पार्लियामेंट के अंदर। मुइज्जु सरकार की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। विपक्षी सांसदों ने मुइज्जु सरकार के मंत्रियों को संसद में गिरा गिरा कर पीटा है, और जहां तक बताया जा रहा है कि मुइज्जु को भी 2-3 लताड़े पड़ चुकी हैं और मुइज्जु की अकल ठिकाने आ चुकी है। वहां की जनता मुइज्जु से अब ऊब चुकी है, क्योंकि मुइज्जु ने जिहादीपन को लपेट कर चाइना की गोद में बैठ कर पाकिस्तान के जैसे अपनी मनसद को जाहिर करते हुए पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया। दोस्तों वहां की विपक्षी पार्टियां लामबंद हो गई हैं और उन्होंने कहा है कि मुइज्जु सरकार को गिराकर ही मानेंगे, क्योंकि भारत के बिना उनका गुजारा हो ही नहीं सकता। और भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है, हमेशा मालदीव को खैरात दी है, जिसके सहारे वो आज जिंदा है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो कैसे इस बात से पाकिस्तान घबरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि जो हालत आज मालदीव की हुई है वही हालत धीरे धीरे पाकिस्तान की होती ही जा रही है, क्योंकि सेम कंडीशन वहां पर है, वो भी चाइना की गोद में बैठा हुआ है और भारत के खिलाफ अपनी मनसा जाहिर करता रहता है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात से घबरा रही है। माली के हालात भी आप देखें, मालियों जैसे हो चुके हैं। ये आपको मैं बताना चाहूंगा वहां आज सुबह क्या हुआ है। वहां पे जो हमारे मोइजू साहब थे वो भाईजान पहले भी अक्सरियत में नहीं थे, टूटी फूटी वो साथ कोलिजन बना के करते थे, उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो माली का मेयर जो उनकी पार्टी का वो हार चुका है वहां से, और आज जो ड्रामा उन्होंने मजलसे अपनी मजलसे इस्लामी जिसका मजलस नाम रखा गया उन्होंने वहां पे, दो चीजें वहां पे हुई। एक तो कैबिनेट पे डिस्कशन होनी थी, वहां पे जो उनका हाउस है वो कैबिनेट की अप्रूवल देता है, तब कैबिनेट बनती। मोइजू भाईजान ने अपने जो कैबिनेट के लोग सामने रखी 7-8 उन्होंने उसमें से रिजेक्ट कर दिए थे पहले। लेकिन आज जो ड्रामा सारी दुनिया ने वहां थप्पड़ देखे और जिस तरीके से वो सीटियां और सारे वो अपने बाजे लेकर जो पहुंचे हुए थे अपोजिशन वाले, आज सारी दुनिया ने उनका ड्रामा देखा है। और मेरे ख्याल में मोइजू साहब ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक वापस घर चले जाएंगे, वहां कोई नई चेंज आएगी, वरना चेंज आनी जरूरी भी है। उसकी वजह यह है कि छोटा सा आइलैंड है, सोर्सेज रिसोर्सेज है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे खाना चल रहा है, सिर्फ टूरिज्म। और जब टूरिज्म पे आपका चल रहा हो तो फिर आप पड़ोसियों से पंगे नहीं लेते, आप उनके साथ शरारतें नहीं करते। वो शरारतें की ना आपने हुलिये भी तो देखे, उनके सारे फनेटिकिज्म की तरफ सारे उनको उनके हालात देखे कि दाढ़ियां रखी हैं, मूछें साफ हैं, और फिर भाग भाग के कभी टर्की जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। चाइना का रेट मैंने आपको ये भी बताना था, चाइना जो है उनको करप्ट लोगों को डील करने का उनको उनके पास स्टाइल है, उनके पास वो पैसा फेंकते हैं और अपना काम ले लेते हैं। इस वक्त चाइना सिर्फ वहां नहीं है, नेपाल के अंदर भी ये हरकतें कर रहा है, म्यांमार के अंदर भी हरकतें कर रहा है,
पाकिस्तान तो वैसे ही उन्होंने सड़कें आपको तो $26 बिलियन दिया आपने यहाँ पे उनको बड़ी खूबसूरती से पिज्जा फ्रेंचाइज ले ली आपने तो आप तो पिज्जे वाले लोग हैं भाई आप तो पिज्जे खाते हैं पिज्जे बेचते हैं आपकी क्या बात है लेकिन अब जो सिर्फ वही नहीं है ये शिप जो उन्होंने माली आज खड़ा है इसके ऊपर भारत ने एतराज किया था और उसको उन्होंने कहा था इनको इन्होंने मालदीप ने लेटर लिखा था चाइना को कि आप यहाँ पे आप यहाँ पे आके सर्विलेंस नहीं कर सकते उन्हें आए थे देखने के लिए कि यहाँ पे कितने भारतीय लोग जो है 100 के करीब हैं वो हैं क्या कर रहे हैं उनके एसेट्स क्या है क्या क्या किस किस्म के जहाज हैं हरकतें तो वैसे ही करते हैं श्रीलंका जाके पहले वहां से एटॉमिक एसेट्स जो है भारत के उन पर नजर रखने की ख्वाहिश थी उनकी लेकिन वहां से भी उन्होंने भगाया लेकिन म्यांमार थाईलैंड और श्रीलंका पहले यही शिप जो है वो पहले जा चुका है उनकी वो चाहिए होता है उनको अगर आपने रिमूव करना है अब प्रेसिडेंट मौजू जो हैं पहले तो वो कंट्रोवर्सी में आ गए अगर आपको याद हो कि उनके 2-3 जूनियर मिनिस्टर्स थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स किए जो कि जारी बात है दे हैव नो राइट टू स्पीक बिलो द बेल्ट अगेंस्ट द डिग्निटीज ऑफ अदर कंट्रीज भले आप दुश्मन भी हों लेकिन यू हैव टू स्पीक विद रिस्पेक्ट और अब एक उस वक्त आपको पता है कुछ जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो मिनिस्टर्स थे उनसे गलती ये हुई वो समझ बैठे कि जिस तरह प्रेसिडेंट मौजू उनको एक लाइन दे रहा है और वो ये लाइन दे रहा है कि आप थोड़े से हमें टफ रहना इंडिया के बारे में वो थोड़े एक स्टेप आगे चले गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को आपको याद होगा कमेंट्स पास किए और कहा कि वो इसराइल के हवाले से और वैसे भी उन्होंने कमेंट्स किए जो कि बड़े जिसे कहते हैं ना बिलो द बेल्ट भी थे और उनकी उसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया जो कि बहुत बड़ा स्टेप था मतलब आप किसी अपने मिनिस्टर को सस्पेंड कर दें मैं समझता हूँ दैट वाज अ मैक्सिमम प्रेशर एक इंडियन गवर्नमेंट का हो सकता है और इस हवाले से आप देखिए ना ये जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है ठीक है जी इन्होंने बेसिकली विदहोल्ड कर लिया था एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल थी 4 मेंबर्स जो थे जो कि प्रेसिडेंट मौजू की कैबिनेट के हवाले से वोटिंग से पहले और ये अब देखें ये सारी की सारी जो मालदीव्स का मसला है ना ये सारे का सारा है या प्रो चाइना एंटी इंडिया अभी होना चाहिए था दोनों काम करते तो उन्होंने बच जाना था वो क्या कर रहे हैं वो प्रो चाइना होके एंटी इंडिया हो रहे हैं मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि इंडिया का बहुत ज़्यादा जो असर वसूख है वो चाइनीज जारी बात है उससे वरिड है और वो समझते हैं कि हम कैसे इस असर वसूख को ख़त्म कर सकते हैं अब इमेजिन करें कि जो मालदीव्स की ओपोजिशन के लीडर हैं अब देखिए इंडिया की एक्सेस बहुत ज़्यादा है इसमें तो कोई शक नहीं है मैं समझता हूँ इस पूरे खित्ते के अंदर अगर कोई मीडिया मालदीव्स के अंदर एक्सेस रख सकता है तो वो इंडियन रखते हैं और इंडियन मीडिया की पाकिस्तान के अंदर भी एक्सेस है बांग्लादेश के अंदर भी एक्सेस है नेपाल भूटान श्रीलंका इन पूरे रीजन के अंदर उन्होंने इंडियन मीडिया की एक्सेस है कभी नॉर्मली इसको लोग डिस्कस नहीं करते इस और ये जो जारी बात है एक्सेस है उसका जारी बात है कि उसकी वजह यह प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है इंडिया का बड़े प्लेयर्स हैं और इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है मालदीव्स के हवाले से मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने मालदीव्स के बारे जानना है तो आपको इंडियन मीडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा अदरवाइज आप मालदीव्स के बारे में कंसल्ट नहीं कर सकते आपको पता ही नहीं चलेगा कि मालदीव्स में क्या हो रहा है ये इंडियन मीडिया ही आपको बताएगा मालदीव्स का मीडिया बड़ा थोड़ा जो है वो जाना जाता है और वो सारी चीजें होती है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFZ को तो मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद।